हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई मिधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर सक्सेस मंत्र। इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड साइबर एथिक्स, मेजर प्रोविजन ऑफ साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स, नेटिकेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सब हमने अपने पहले सेशन में यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। सो इन टुडे सेशन द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर जो रह गए थे हमारे, वो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स, लाइसेंसेस एंड डोमेन्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। टुडेज टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Whenever we start talking about open source software, it means we are referring to those categories of software or programs whose licenses do not impose much conditions. यानी कि जब इस तरह के softwares या programs को आप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इन programs के जो licenses होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा restriction नहीं लगाते। You are free to use it in any way और आपको बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर गिव यूजर्स फ्रीडम टू यूज़ द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़र्स को ये आज़ादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ आइदर द ओरिजिनल और मॉडिफाइड प्रोग्राम। और जो आप कॉपीज बनाते हैं, चाहे आप ओरिजिनल प्रोग्राम की बनाइए या उस प्रोग्राम में अगर आपने चेंजेस करें उसकी जो कॉपी बनाई है वो आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर की जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह ही माने जा सकते हैं। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही कंसीडर किए जाते हैं। द टू टर्म्स दैट वी ऑफन मिसअंडरस्टैंड, जो कि हम लोग गलत समझ लेते हैं या उनको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, वो दो टर्म्स हमारी कौन सी हैं? फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ओपन सॉफ्टवेयर आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता, तो हम उसे एक तरीके से फ्री सॉफ्टवेयर ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। फ्री सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट आर फ्रीली असेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड। ये फ्रीली असेसिबल यानी कि आप इन पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके कोड को आप कॉपी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी पर्सन इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ये सारे तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनमें ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फोर काइंड्स ऑफ फ्रीडम। जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको चार तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहली है द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस। इसको आप क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्पस के लिए रन कर सकते हैं, कोई सा भी रीजन हो चाहे वो। सेकेंड, द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स। आपको ये फ्रीडम होती है कि आप उसके प्रोग्राम को स्टडी करिए कि इसका जो प्रोग्राम हो वो किस तरीके से काम कर रहा है एंड अडेप्ट इट टू योर नीड्स, और उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार आप यूज करें। थर्ड, द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज सो यू कैन हेल्प योर नेबर। आप इसकी कॉपीज को दूसरों को दे सकते हैं जिससे कि आप अपने नेबर्स की, अपने फ्रेंड्स की या जिस भी पर्सन की आप हेल्प करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फोर्थ, द फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम। ये आपको फ्रीडम देता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोग्राम को, अपने खुद के किए गए इम्प्रूवमेंट्स को रिलीज कर सकते हैं पब्लिक के लिए, जिससे कि सारी कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओपन सॉफ्टवेयर दैट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सी फ्री सॉफ्टवेयर। इट कैन बी फ्रीली यूज्ड। मैंने आपको बोला कि आप इसे मॉडिफिकेशन के तौर पे, अपना बिजनेस मॉडल तैयार करने के तौर पे आसानी से फ्रीली यूज कर सकते हैं, बट
इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये कॉस्ट फ्री नहीं होता, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और आपको इसे फर्दर डेवलपमेंट अगर करवाना है तो उसके लिए भी आपको इसमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आप हर एक चीज बिना कॉस्ट के इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स। When we see the official definition of open source software, then the official definition of this states that open source software is that, open source software क्या है, वो है by which the source code or the base code is usually available for modification or enhancement by anyone for reusability and accessibility। ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड जो होता है, यानी कि प्रोग्राम कोड जिसके थ्रू इसको बनाया गया है, वो हमेशा आपको अवेलेबल होगा कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ा सकते हैं। इस किसके द्वारा? किसी भी पर्सन के द्वारा। ये री यूजेबल है और असेसिबल भी है। बट ओपन सोर्स डजंट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड। ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आसानी से आपको सोर्स कोड यूज करने को मिल गया, केवल ये मतलब नहीं है इसका। द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कम्प्लाई विद फॉलोइंग क्राइटेरिया। नीचे हमने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उस क्राइटेरिया के बेस पर ही आप अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया में पहला कौन सा है? फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर वेदर हैज ए होल और इन पार्ट। आपको कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दूसरे को दे नहीं सकते। दे सकते हैं, चाहे आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दे दीजिए या फिर उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट। देन इज सोर्स कोड। द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड। जो प्रोग्राम है उसमें सोर्स कोड जरूर होना चाहिए। एंड अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल फॉर्म। और इसको क्या परमिशन होनी चाहिए कि वो सोर्स कोड तो डिस्ट्रीब्यूट करे ही करे, साथ के साथ वो कोड जो कि कंपाइल हो चुका है, रन कर चुका है, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिराइव्ड वर्क्स द लाइसेंस मस्ट अलाउ, यानी कि सॉफ्टवेयर को यूज करने के भी लाइसेंस होते हैं, तो इसमें जो आपका लाइसेंस है उसको आपको क्या परमिशन देनी चाहिए चेंजेस करने की। एंड डिराइव्ड वर्क्स, जो वर्क्स उसे किए जा चुके हैं वो करने की। एंड मस्ट अलाउ देम टू डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द सेम टर्म्स एज लाइसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। और जिन टर्म्स के अंदर हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं उसी सेम टर्म्स कंडीशंस पे डिपेंड हो के हम एक डुप्लीकेट किए गए मटेरियल को या सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन इज इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स सोर्स कोड। इंटीग्रिटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए, जो ऑथर का सोर्स कोड है उसकी हमेशा जो रिस्पेक्ट है, जो ओरिजिनलिटी है, वो बनी रहनी चाहिए। एनी चेंजेस डन इन द सोर्स कोड शुड कैरी अ डिफरेंट नेम और वर्जन नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। अगर आपने किसी ऑथर का सोर्स कोड इस्तेमाल किया है, उसमें कुछ चेंजेस करे हैं, तो उन चेंजेस को आप सेम ऑथर के नाम से नहीं रख सकते। आपको उसे एक डिफरेंट नेम देना होगा, डिफरेंट वर्जन नंबर देना होगा, जो कि आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से अलग हो। नेक्स्ट इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स और ग्रुप्स। पर्सन्स और ग्रुप्स के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी आपका लाइसेंस है सॉफ्टवेयर के लिए मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। वो लाइसेंस आपको कभी भी किसी पर्सन के अगेंस्ट में या ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड्स ऑफ एंडेवर। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी वन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ द प्रोग्राम इन स्पेसिफाइड फील्ड ऑफ एंडेवर। अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में हमें उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है तो लाइसेंस जो है उसे वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए अगर हम उस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस। द राइट्स अटैच्ड टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल होम द प्रोग्राम इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो राइट्स हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े होते हैं वो सारे राइट्स उन सब पर्संस पर अप्लाई होने चाहिए जिन जिनको भी प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, विदाउट द नीड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन एडिशनल लाइसेंस बाय दोज पार्टीज।
और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि हमें कोई एडिशनल लाइसेंस इस्तेमाल करना पड़े अपने उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए। देन इज लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट, एक लाइसेंस पर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स अटैच टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम के साथ जो राइट्स जुड़े हुए हैं उन राइट्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, जो लाइसेंस हमने बनाया है शुड नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद द लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर के साथ हमने कोई और सॉफ्टवेयर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है, दूसरे पर्सन को दिया है, तो उस लाइसेंस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट इज लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, नो प्रोविजन ऑफ लाइसेंस मे बी प्रेडिकेटेड ऑन एनी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी और स्टाइल ऑफ इंटरफेस। कोई भी लाइसेंस जो है वो पूरी तरीके से ये डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे और ना ही किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसेंसेज एंड डोमेन्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। सो लेट्स टॉक अबाउट ओपन सोर्स लाइसेंसेज कि ये कौन से लाइसेंसेज होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स लाइसेंसेज इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइसेंसेज दैट कंप्लाई विद द ओपन सोर्स डेफिनेशन, जो कि ओपन सोर्स डेफिनेशन के साथ काम करते हैं। इट मीन्स दे अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी फ्रीली यूज मॉडिफाइड एंड शेयर, वो सॉफ्टवेयर को फ्री होके इस्तेमाल करने की, उसमें चेंजेस करने की, उसको दूसरों के साथ शेयर करने की परमिशन देते हैं। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी लीगल गाइडलाइंस दी होती हैं कि आप किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दे मेक इट ईजी फॉर अदर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ प्रोजेक्ट, इसकी वजह से क्या होता है दूसरों के लिए काम आसान हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट में अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं विदाउट हैविंग टू सीक स्पेशल परमिशन, यानी कि उन्हें स्पेशली कोई परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, वो फ्री होकर अगर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहें तो दे सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम क्लेमिंग योर वर्क एज देयर ओन, ये यहाँ तक कि आपको किस चीज़ से बचाता है कि कोई भी दूसरा पर्सन आपके काम को अपना बना के क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये तो मेरा काम है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंसेज, बहुत सारे ओपन सोर्स लाइसेंसेज इस समय अवेलेबल हैं। एंड व्हाट दे आर, फर्स्ट इज योर GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला लाइसेंस है जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइसेंस क्या करता है, इट ग्रांट्स एंड गारंटीज ए वाइड रेंज ऑफ राइट्स टू डेवलपर्स हु वर्क ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, वो डेवलपर्स जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उनको बहुत तरह के राइट्स देता है, उनको परमिशन देता है। इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू लीगली कॉपी डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि ये यूजर्स को भी लीगली परमिशन देता है कि वो सॉफ्टवेयर्स के कोड को कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सेकेंड इज GNU लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, इट गिव्स व्हाट, इट इज गिविंग यू लेसर राइट्स टू ए वर्क देन द स्टैंडर्ड GPL लाइसेंस। तो ऊपर जो हमने अभी लाइसेंस पढ़ा था उसमें तो आपको प्रॉपर बहुत सारे राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है उस राइट्स के कंपेरिजन में यहाँ पर कम राइट्स मिल रहे हैं आपको। इट इज़ यूज टू लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर सो दैट इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर, ये क्या है हमें एक लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर देता है जिससे कि ये दोनों कैटेगरीज में आ सके, फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी और प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। थर्ड इज BSD लाइसेंस, देर आर रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज दैट हैव फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू अदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज, जो दूसरे फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज होते हैं उनमें क्या है बहुत ज़्यादा कई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन ये जो लाइसेंस होते हैं ये आपको क्या करते हैं एक तरह की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर इम्पोज करते हैं व्हेन यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर।
फोर्थ इज MIT लाइसेंस। ये क्या है? शॉर्टेस्ट और प्रोबेबली ब्रॉडेस्ट लाइसेंस है पॉपुलर ओपन सोर्स लाइसेंसेस के लिए। आप इन्हें यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं हाउ एवर यू वॉन्ट, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन कॉपी इट मैनी टाइम्स। इस तरह के लाइसेंस में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप जितना चाहें उतनी बार कॉपी कर सकते हैं और किसी भी तरह के फॉर्मेट में, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। यू कैन गिव द सॉफ्टवेयर अवे फॉर फ्री और सेल इट। आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्री में अपना सॉफ्टवेयर किसी को दे सकते हैं या अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि किस तरीके से आपको अपने सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड लास्ट इज योर अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस इज डूइंग वॉट, इट इज गिविंग यू परमिशन अ नंबर ऑफ राइट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू बोथ कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, जो कि किसी भी कॉपीराइट या पेटेंट्स के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अगर आपको कोई राइट दे दिया गया है, यू कैन यूज देम फॉर एवर, आप उसे हमेशा कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई नो अपफ्रंट यूसेज नहीं होता, कोई पर यूसेज फी नहीं होती और ना ही किसी और बेसिस पे आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाई जाती है। टेक वन थिंग इन माइंड, ये नोट जो मैंने यहाँ पर दिया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट ये क्या होती है? इट इज अ मूवमेंट इन विच ओपन सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिलीज टू प्रोग्रामर्स। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो प्रोग्रामर्स को दे देते हैं, सो दैट दे कैन मेक वॉलेंट्री मॉडिफिकेशन। वॉलेंट्री यानी कि आए और उसमें जो मॉडिफिकेशन करना चाहें वो उसमें करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें द वे दे वॉन्ट। इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मीडिया विकी सॉफ्टवेयर थ्रू विच विकीपीडिया वेबसाइट इज बिल्ड, जिसके जरिए हम लोग विकीपीडिया वेबसाइट बनाते हैं। यानी कि जो विकीपीडिया वेबसाइट है उसमें आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट यूज किया जाता है, क्योंकि क्या है, उस साइट पे भी आप किसी भी आर्टिकल को ओपन करें, अगर आपको लगता है कि इसमें ये चीज गलत दे रखी है तो आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप उसमें जाके चेंजेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो रहा होगा टॉपिक सुन के। सो इट रिफर्स टू द राइट टू प्राइवेसी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में हम कहते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, लीगल राइट भी कह सकते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया के आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट ऑल्सो रेफर्स टू राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर आपका पूरा राइट होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होता क्या है, अभी हमने पढ़ा ना राइट होता है हमारा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो ये है क्या? इट इज एबिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल टू सीक रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। कि ये एक राइट होता है जिसके जरिए कोई भी इंडिविजुअल उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है, दूसरे से ले सकता है और यहाँ तक कि दूसरे को वो इंफॉर्मेशन बांट भी सकता है। When we are talking about freedom of information, it means we are talking about freedom of speech as well as freedom to seek. और इसका मतलब होता है obtain and impart information brings up the question of who or what. जब हम कहते हैं कि information लेनी है और देनी है तो इसमें question उठता है who or what, किसको और क्या, has jurisdiction in cyberspace, और इसकी टर्म्स साइबर स्पेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का, ये कॉमनली एक सब्जेक्ट होता है किसका, लिमिटेशंस डिपेंडेंट अपॉन कंट्री सोसाइटी एंड कल्चर कंसर्न। एक कंट्री उसकी सोसाइटी और उसके कल्चर पर डिपेंड करके। डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है किसके लिए, इन द एक्सेस टू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने में और उसका एक्सेस करने में, उसको देखने में। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में भी ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसमें भी आप टेक्नोलॉजीज को या तो यूज कर सकते हैं या उनके पहुंच
में होती है वो आपकी, अमंग वेरियस ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में। दिस टेक्नोलॉजी में इंक्लूड, इस टेक्नोलॉजी में आपकी टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब कवर हो जाते हैं। और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कितनी कॉस्ट लगती है, लैक ऑफ स्किल्स, लोगों को इतने चीज़ें नहीं पता, लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉपर जानकारी नहीं है, एक्सेस फॉर द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड लोग इसका आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाते, लो परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स भी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यानी कि वर्किंग स्पीड अच्छी नहीं है। अब विकिपीडिया डिजिटल डिवाइड को कैसे डिस्क्राइब करता है देखते हैं। अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। एक डिजिटल डिवाइड क्या है, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से आप समझते होंगे जब जो चीज़ों को बराबर नहीं समझा जाता। किसके रिगार्ड में, एक्सेस टू, यूज ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको यूज में लाना है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे इसका असर पड़ता है। तो इंडिया में भी आपको ये डिजिटल डिवाइड बहुत देखने को मिलता होगा। टू मेजर रीजंस जो है वो डिजिटल डिवाइड के क्या हैं वो आइए हम लोग समझ लेते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी रीच। बहुत सारे रूरल एरियाज हैं इंडिया के अंदर और ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जिनको अभी तक डेवलपमेंट विटनेस तक नहीं हुई, यहाँ तक कि वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँची ही नहीं है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। बहुत से ऐसे पिछले इलाके हैं अभी इंडिया के अंदर। ऑल द रीच ऑफ मोबाइल्स हैव ईज्ड इट टू एन एक्सटेंट। हालांकि मोबाइल हर जगह पहुँच गए तो चीज़ें कुछ हद तक आसान हो गई हैं। येट इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइन्स वहाँ पर ले जानी है, अभी मोबाइल टावर्स को वहाँ पे इंस्टॉल करना है, एंड प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और प्रॉपर पूरे तरीके से टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को वहाँ तक पहुँचाना है और ये सब अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड होने की, क्योंकि चीज़ें ही नहीं है सारे एरियाज में, तो ऑब्वियसली डिजिटल डिवाइड तो आएगा ही आएगा। सेकेंड इज डिजिटल लिटरेसी। द एरियाज इन विच टेक्नोलॉजी हैज़ रीच्ड, वो एरियाज जहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुँच तो चुकी है लेकिन सारे लोग अभी उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। अब सबसे बड़ा रीज़न इसके लिए क्या है, डिजिटल इलिटरेसी। सबसे बड़ा रीज़न है डिजिटल इलिटरेसी, यानी कि लोगों को डिजिटल चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जो डिजिटल लिटरेसी का रेट है वो बहुत कम है रूरल एरियाज में, इफ़ वी कंपेयर देम अकॉर्डिंग टू अर्बन एरियाज, यानी कि अर्बन एरियाज में तो लोग अभी भी जानते हैं, नॉलेज रखते हैं इसके बारे में, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत कम रेशियो ऐसा है, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सो एज द डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज, जैसे जैसे डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी जो नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे, लेकिन जब तक इलिटरेसी नहीं हटेगी ये होना मुश्किल है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि 4 दी गई हैं यहाँ पे, जो आपके अभी आपने बीच में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इस चीज टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो पहली है आपकी प्रॉपर्टरी या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ये अभी हमने पढ़ा था बीच में टर्म। तो ये क्या है, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, फॉर विच द पब्लिशर रिटेन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसके तरह के सॉफ्टवेयर के लिए जो पब्लिशर होता है, जो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को पब्लिश करता है या बनाता है, उसके पास प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, और ये आपने अभी पढ़े हैं व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देन इज फॉस, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री भी होता है साथ के साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है, एंड दैट्स वाई इट स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देन इज फ्रीवेयर, ये क्या है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है आपको, यानी कि आपको इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना, एंड इट ऑल्सो अलाउज यू टू कॉपी एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूट दैट टू अदर पर्संस, लेकिन इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और इसका सोर्स कोड भी आपके पास अवेलेबल नहीं होता। एंड लास्ट इज W3C, यानी कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे मैंने एक वर्ड नहीं लिखा है कंसोर्टियम,
तो आप डब्ल्यू थ्री सी आपका स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, SORTIUM। ठीक है, जो कंसोर्टियम के स्पेलिंग आपके होते हैं CONSORTIUM, कंसोर्टियम है ये, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में फैलाए गए हैं। यानी कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसकी मदद से आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके नेट पर पब्लिश किए जाते हैं, आपको फ्रीली अवेलेबल कराए जाते हैं या पेड होके अवेलेबल कराए जाते हैं। सो ये वो चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करता है। सो विथ टूडेज सेशन वी आर कम्प्लीटिंग अवर यूनिट 3, हम अपनी यूनिट 3 कम्प्लीट कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और आज का सेशन आपको पसंद आया हो, आपको हर एक चीज़ समझ में आई हो अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, द स्टूडेंट्स और द पर्सन्स हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल, कीप कनेक्टेड विद अस, क्योंकि अब हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे यूनिट वाइज, और साथ में अगर सैम्पल पेपर्स हो सका तो वो भी डिस्कस करेंगे। और न्यू विजिटर्स और न्यू स्टूडेंट्स और पर्सन्स जो कि अभी हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, कंसिडर इट एज योर ओन चैनल, आपका अपना चैनल है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग सेशंस। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।